हे वो सब बड़ी गाइस, तो क्या हाल चाल। तो गाइस आज की वीडियो ना GTA फैन के लिए बहुत बढ़िया होने वाली है, क्योंकि अभी रॉकस्टार के एक एम्प्लॉय ने एक दो दिन पहले कोटाकू से नेक्स्ट GTA के बारे में एक छोटी सी इंटरव्यू की थी। तो गाइस जिन लोग को नहीं पता कि कोटाकू क्या है, कोटाकू एक गेमिंग एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट है। बेसिकली गाइस 5 से 6 पॉइंट के बारे में बात की थी। तो गाइस ये वीडियो पूरा देखना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कौन कौन से पॉइंट के बारे में बात की थी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। गाइस फर्स्ट पॉइंट में रॉकस्टार के एम्प्लॉय ने ये कहा कि जो हमारा नेक्स्ट GTA वो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे है गाइस। तो गाइस अभी लॉन्च होने की बात तो भूल जाओ, पता नहीं कब 3-4 साल बाद लॉन्च होगा। लेकिन अच्छी बात है कि रॉकस्टार का नेक्स्ट गेम GTA सीरीज़ है, क्योंकि गाइस हम बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि नेक्स्ट गेम हो सकता है बुलेट 2 या मैक्स पेन 4। लेकिन गाइस उनके लिए बहुत बुरी बात है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट गेम रॉकस्टार का GTA ही होने वाला है। गाइस नेक्स्ट पॉइंट में उस रॉकस्टार के स्पोक पर्सन ने कहा था कि रॉकस्टार की जितने भी पूरे स्टूडियो है अभी पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो US में हो, चाहे लंदन में हो, इंडिया वाली हो, सब जो उसकी ब्रांचेस है वो काम कर रही है अभी नेक्स्ट GTA के ऊपर। तो वैसे आप ये भी नहीं कह सकते कि छोटी मोटी टीम काम कर रही होगी मैक्स पेन 4 या बुलेट 2 का, क्योंकि गाइस जो GTA 5 है वो लॉन्च होता 2013 में। तो गाइस GTA के नेक्स्ट सीरीज अभी तक तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन रॉकस्टार ने पहली बार डिले कर दिया है। तो रॉकस्टार अब और डिले नहीं करना चाहती और जब जल्दी लॉन्च हो सकता है नेक्स्ट GTA। तो गाइस अब सबसे मेजर पॉइंट आ गया है, वो है कब होगी लॉन्चिंग। तो गाइस रॉकस्टार के एम्प्लॉय ने ये कहा था कि हम लेट 2021 मतलब नवंबर या दिसंबर 2021 में वो लोग रिलीज़ करेंगे ट्रेलर या फिर वो लोग एक पेज बना के भी कुछ बता सकते हैं कि कब लॉन्च होगा। तो गाइस ये तो सर गाइस बहुत बुरी बात है कि हम 2021 तो गेम लॉन्च होगा 2022 या 2023, ऐसे तो बहुत देर हो जाए, मतलब GTA 5 के 10 साल बाद ही लॉन्च होगा। और गाइस ये भी नहीं पता ये करंट जेन कंसोल पे आएगी कि नहीं आएगी, मतलब PS4 या फिर Xbox One। गाइस नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है, रॉकस्टार के एम्प्लॉय ने पूरे के पूरे इंटरव्यू में इसे नेक्स्ट GTA कहा गाइस, इसे GTA 6 नहीं का, लेकिन हम और आप इसे GTA 6 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन क्या जैसे भी हो सकता है कि जो ये नेक्स्ट GTA है, जैसे कि GTA Vice City आया था, GTA San Andreas आया था, उसी तरह इस बार भी कोई सिटी से US की कोई सिटी से रिलेटेड गेम हो, US की तो गाइस ब्राज़ील रशिया, तो गाइस कोई भी सिटी के ऊपर गेम बन सकता है, जरूरी नहीं इसका नाम GTA 6 ही हो। गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है गाइस कि इस पूरे इंटरव्यू में कोई भी बेसिकली कोई सिटी के बारे में डिस्कस नहीं हुआ। जैसे गाइस बहुत टाइम पहले रूमर्स आ रहे थे कि जो हमारा नेक्स्ट GTA होगा या GTA 6 वो बेस्ड हो सकता है मियामी सिटी के ऊपर, लेकिन पूरे इंटरव्यू में कुछ पता नहीं चला गाइस कि कौन सी सिटी में गेम बेस्ड होगा। या तो यार गाइस ये नई सिटी में बेस्ड हो सकता है, US की कोई सिटी या कहीं की भी कोई सिटी, तो वो तो अब जब गेम लॉन्च होगा हमें तभी पता चलेगा। अब गाइस सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये बहुत न्यू है और ऐसा चीज़ मैंने कभी देखा भी नहीं किसी गेम लॉन्च के, मतलब बेसिकली ये है कि जो जब GTA 6 लॉन्च होगा तो आपको एक साथ पूरी गेम नहीं दी जाएगी गाइस, मतलब जैसे कि जितने भी जगह होंगी आपको एक जगह अनलॉक मिलेगी और बाकी सब जगह आपको लॉक मिलेगी। तो रॉकस्टार का ये प्लान है कि वो एक एक करके अपडेट दे के नई जगह खोले, क्योंकि गाइस ये ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि अगर ये पूरे एक साथ मतलब सिटी वगैरह अगर जल्दी तो गाइस पहले तो सबसे बहुत टाइम लगेगा ये सब करने में। और आप लोग को जैसे पता ही है कि ये अभी अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, अगर पूरा गेम बना जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि गाइस और एक और दूसरी बात है कि जब रेड डेड रिडेम्पशन 2 जब गाइस लॉन्च हुआ था तब गाइस बहुत सारा काम पड़ गया था और गाइस सब गेम डेवलपर को ओवर टाइम करना पड़ रहा था, लेकिन उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा प्राइस भी मिल रहा था, एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रही थी, लेकिन वो लोग गाइस इतना अमीर होते हुए पैसे करेंगे ही क्या। तो बहुत सारे डेवलपर्स ने लास्ट में छोड़ भी दिया था और इससे वो सोच रहे हैं कि गेम की स्मूथ लॉन्चिंग करना चाहता है। और गाइस कोई भी मतलब ऐसा ना हो कि क्योंकि उसके कारण कोई लोग गेम खेलने से मना कर दे, तो गाइस इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा गाइस कि ये कैसे रॉकस्टार मैनेज करती है इस चीज़ को, वो तो हमें भी गेम लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, होप यू आपको वीडियो अच्छे लगे। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और गाइस आपको गेम से रिलेटेड फिर भी चीज़ देखना पसंद है तो गाइस आप चैनल सब्सक्राइब कर भी सकते हो, मैं इतना पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, करो या ना करो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।